सो so, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर टेन तक डिस्कस कर लिया था अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन से लेकर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तक तो यहाँ पर दिया क्या गया है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली पहले हमें इनको सॉल्व करना है ग्राफिकली फिर उसके बाद फाइंड द वर्टिसिज एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सेज मतलब ये दोनों लाइन्स और इसके साथ साथ जो एक्स एक्सेस होगा उससे जो एरिया बनेगा उसका हमें एरिया भी निकालना है ठीक है अब इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है उसके अलावा बाकी का तो वही चीज़ है जैसा हमने पहले किया था कि सॉल्यूशंस तो वैसे भी निकालना ही है ग्राफिकली हमें ठीक है तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इलेवन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन में दिया क्या गया है क्वेश्चन नंबर इलेवन में हमारे पास दो इक्वेशन है यहाँ पर यह दी गई है एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ये फर्स्ट इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन क्या है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है जैसा कि हम करते आ रहे हैं हमेशा से कि हमें सबसे पहले करना क्या होगा इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा तो x को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो पूरा पार्ट है इसको हम राइट साइड ले जाते हैं जैसे ही हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर ये यह कितना आएगा तो यहाँ पर, पर यह आ जाएगा वाई माइनस थ्री ठीक है अब इसमें देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बाकी पूरे पार्ट को हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का फोर माइनस का थ्री वाई ठीक है जो प, पार्ट पॉजिटिव था उसको मैंने पहले लिख दिया है ठीक है अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सेज टू फोर माइनस थ्री वाई बाई टू और ये कितना हो गया एक्सेज टू थ्री वाई माइनस थ्री इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं अब इसमें देखिए एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आपको ड्रा करने हैं और नॉर्मली जब हम लाइन बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है तीन कॉर्डिनेट्स को ड्रॉ करना पड़ता है इसमें भी हम वही चीज करेंगे तो हमें यहाँ पर तीन कॉर्डिनेट्स को ड्रॉ करना है ठीक है अब आप देखिए इस केस में अगर आप x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू अगर आप वन रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी अगर आप y की वैल्यू वन रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी वन माइनस थ्री विच इज़ माइनस टू ठीक है क्योंकि y की जगह अगर आप वन रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस थ्री दैट इज़ माइनस टू तो x अगर आप y वन रखेंगे तो x आ जाएगा माइनस का टू इसी में अगर आप y की वैल्यू टू लेंगे तो x कितना आएगा आ 2 -3, that is, x is do, ये आ जाएगा टू माइनस थ्री दैट इज़ एक्स इज टू माइनस वन यह आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस वन आया जब आपने y टू लिया इसके साथ साथ अगर आप y की वैल्यू जीरो रखते हैं तो x कितना आएगा x आ जाएगा ज़ीरो माइनस थ्री दैट इज़ माइनस थ्री तो यहाँ पर यह माइनस थ्री आएगा तो इसका मतलब ये है कि y जीरो और ये माइनस थ्री इतना क्लियर हो गया अब हम देख लेते हैं इसमें यहाँ पर जब आप वाई की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो एक्स कितना आएगा एक्स आ जाएगा फोर माइनस थ्री इंटू जीरो डिवाइड बाई टू विच इज़ फोर फोर माइनस जीरो बाय टू दैट इज़ फोर बाय टू विच इज़ टू ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जब वाई ज़ीरो होगा तो एक्स आ जाएगा टू इसके साथ साथ अगर आपके पास एक्स की वैल्यू अब आप देखिए मैंने आपको हमेशा से बताया था कि जो डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से आपको आइडिया लगाना है कि आपकी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जैसे आपके पास वाई की वैल्यू जीरो थी आपके पास एक इंटीजर वैल्यू आ रही है एक्स की अब आप वाई की वैल्यू वन ना लेकर टू का जंप लीजिए आप सीधा टू रखिए तो यहाँ पर एक्स कितना आ जाएगा एक्स इज इन टू आ जाएगा फोर माइनस थ्री इंटू टू बाय टू विच इज फोर माइनस सिक्स बाय टू विच इज़ माइनस टू बाय टू विच इज़ माइनस वन तो यहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का वन जब आपके पास वाई था टू इसी तरीके से अब आपको टू के बाद यहाँ पर थ्री नहीं लेना है यहाँ पर वाई की वैल्यू लेनी है फोर जैसे आप फोर लेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा एक्स इज़ टू आ जाएगा आपके पास फोर माइनस थ्री इंटू फोर बाय टू विच इज़ एक्स इज़ टू यहाँ पर ये यह हो जाएगा फोर माइनस थ्री फोर ट्वेल्व हो जाएगा तो यहाँ पर ये टू विच इज़ यहाँ पर ये आ गया कितना फोर माइनस ट्वेल्व यहाँ पर ये हो गया हो गया माइनस एट बाई टू विच इज़ माइनस फोर तो यहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू एक्चुअली में माइनस का फोर आ गया इतना क्लियर हो गया इसका मतलब एक्स माइनस फोर है वाई कितना था फोर ये पार्ट क्लियर हो चुका है अब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करके देख लेते हैं देखिए इसको अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करके देखेंगे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यूज कहां तक जा रही हैं नेगेटिव में माइनस फोर तक जा रही है और पॉजिटिव में प्लस टू तक मतलब एक्स में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रेंज आपके आसपास ही है वाई में भी आपके आसपास ही रेंज है सारी वैल्यू पॉजिटिव है और मैक्सिमम प्लस फोर तक जा रहा है तो हम क्या करेंगे वाई हम इधर लिख देते हैं ये वाई हो गया ठीक है और क्योंकि वाई पूरा पॉजिटिव है तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा नीचे की तरफ ग्राफ बनाएं ताकि वाई पॉजिटिव साइड में हमें सही से प्रॉपर तरीके से ग्राफ बन कर आए ये हो गया ठीक है ये हो गया एक्सिस और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस वाई एक्सिस अब देखिए ये तो जीरो ओरिजिन हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट ठीक है यहाँ पर ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इतना क्लियर हो गया अब आप देखिए अच्छा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है ये एक्स एक्सेस था अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है एक्स की वैल्यू है माइनस टू और वाई की वैल्यू है वन तो एक्स अगर माइनस टू है और वाई वन है तो ये हो गया ठीक है अब एक्स माइनस वन और वाई टू एक्स अगर माइनस वन है तो वाई कितना है टू तो पहले यहाँ पर इसको लिख देते हैं माइनस टू कॉमा वन फिर ये कितना था माइनस का वन कॉमा टू इसके साथ साथ माइनस थ्री ज़ीरो जब एक्स माइनस थ्री है तो वाई कितना है ज़ीरो एक्स अगर माइनस थ्री होगा तो एक्स माइनस थ्री वाई ज़ीरो हो गया तो ये हो गया एक्स माइनस थ्री वाई ज़ीरो इतना क्लियर है अब इन तीनों को हमें क्या करना है इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखिए आपकी लाइन बनती है कि नहीं अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो भी एक्यूरेट आई है और आपकी जो लाइन बन रही है वो भी एक्यूरेसी शो कर रही है तो ये हो गया ठीक है अब देखिए इस इक्वेशन में ये था x माइनस वाई प्लस थ्री का ग्राफ इसी लाइन की इक्वेशन थी अब इसके साथ साथ हम दूसरा वाला पार्ट को देखते हैं कि यहाँ पर ये कितना है एक्स टू वाई ज़ीरो जब एक्स टू है तो y है 0 ये हो गया 2 कामा ज़ीरो इतना क्लियर हो गया फिर माइनस वन कामा टू एक्स हमारे पास माइनस वन आना चाहिए तो y आ जाएगा 2 ये वाला पॉइंट तो ये वाला पॉइंट इसमें भी आ रहा है इसके साथ साथ x अगर माइनस फोर होगा तो y प्लस फोर होगा y प्लस फोर है एक्स माइनस फोर ये माइनस फोर आ गया था तो ये प्लस फोर एंड माइनस फोर ठीक है अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखिए क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आते हैं हाँ तो देखिए ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ भी हमारा एक्यूरेट है तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से और ये लाइन की इक्वेशन क्या थी टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो तो सबसे पहले हम हमारे पास आंसर क्या आया हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो हमारा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन इस इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा एक्स इजल टू माइनस वन और वाई इज टू कितना हो जाएगा प्लस का टू क्योंकि ये पॉइंट है इस पॉइंट पर यह दोनों कट कर रहे हैं इतना क्लियर हो गया अब हमें करना क्या है कि इसके साथ साथ हमें इसके अंदर ये जो एक्सेक्सेज है ये एक्सेक्सेज और ये दोनों लाइन के बीच में जो हमारे पास एक ट्राइंगल बनकर आता है ये वाला रीजन इसका हमें एरिया निकालना है ठीक है अब इसका एरिया क्या होगा अब आप देखिए एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं सबसे पहले आप जब भी एरिया निकालते हैं तो एरिया का फार्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट यही होता है और आपके पास अगर ये ट्राइंगल है ठीक है सपोज आपका ये बेस है तो हाइट क्या होगी ये जो पॉइंट है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसकी जो हाइट होगी वही हम कहते हैं ट्राइंगल की हाइट होगी इतना क्लियर है अब आप देखिए ये तो हमारा बेस है बेस कितना बड़ा है अब आप देखिएगा कि यहाँ से माइनस थ्री से लेकर प्लस टू तक ये लेंथ अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली में फाइव यूनिट्स है क्यों क्योंकि ये बैक साइड पे मतलब नेगेटिव साइड पे माइनस थ्री है मतलब थ्री यूनिट्स तो इधर हो गया और इधर तो टू यूनिट्स हो गया तो इसका मतलब ये कि थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव यूनिट्स तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई बेस हमारे पास कितना हो गया फाइव यूनिट्स इतना क्लियर है अब आप देखिए हाइट कितनी होगी हाइट तो हमारे पास यही वाली होनी चाहिए ना ये वाली लेंथ और यह कितना है टू यूनिट्स है तो इसका मतलब यह हो गया कि हाइट हमारे पास टू यूनिट्स है तो यहां पर एरिया कितना आ जाएगा हाफ बेस हो गया फाइव हाइट हो गया टू टू से यह टू कैंसल आउट हो गया बचा कितना फाइव यूनिट्स तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा फाइव यूनिट्स नहीं फाइव स्क्वायर यूनिट क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आता है ये आंसर आएगा इतना क्लियर हो गया ठीक है तो ये हमारा आंसर है अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से निकालना है सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले जो ट्राइंगल बना के देखना है मतलब जैसे ही आपने सॉल्यूशन निकाला सॉल्यूशन के बाद आप ये देखिए आपका बेस कितना आ, कितने हाइट का है कितना मतलब बेस की वैल्यू है और कितनी ट्राइंगल की हाइट है वो दोनों आपको कैलकुलेट करनी है उसके हिसाब से आप अपने आप ईजीली एरिया निकाल सकते हैं इतना क्लियर हो गया अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या दिया गया है और ये क्वेश्चन टू थाउजेंड फाइव में भी आया हुआ था सी में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में कहा गया है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वाई प्लस फोर तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को यहाँ पर लिख लेते हैं टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो ठीक है उसके साथ साथ क्या है यह दिया गया है एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये इक्वेशन है हमारे पास अब आप देखिए कि यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं टू एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई और फोर इसको राइट साइड पर ले जाते हैं तो थ्री वाई हो जाएगा प्लस का तो थ्री वाई को यहां पर लिख देंगे फिर माइनस का ये माइनस का फोर जो भी पार्ट पॉजिटिव होता है उसको हम आगे लिख देते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन दिखे अदरवाइज आप नेगेटिव पोर्शन को भी आगे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आप कैसे भी लिख सकते हैं ठीक है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं टू हम यहाँ पर नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टू तो ये हमारे पास इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में बना दिया अब इसमें क्या करेंगे एक्सेजल टू अब आप देखिए ये इधर जाएगा तो फा फाइव हो जाएगा प्लस का लेकिन टू वाई हो जाएगा नेगेटिव तो हम क्या करेंगे कि फाइव को आगे लिखेंगे और टू वाई को पीछे लिख देते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन बनकर आए ठीक है अब इसमें हमें करना क्या है एक्स और वाई के लिए एक टेबल बनानी है जिसमें तीन पॉइंट्स हमें बनाने पड़ेंगे तीन कोऑर्डिनेट बनाने हैं ठीक है इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक्स और वाई के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं अब आप देखिए यहाँ पर जब आप वाई की वैल्यू सबसे पहले वाई की वैल्यू हम क्या करते हैं जीरो लेके देखते हैं जब हम वाई की वैल्यू जीरो रखते हैं तो यहाँ पर एक्स कितना आ जाता है थ्री इंटू जीरो माइनस फोर बाय टू इज़ माइनस फोर बाय टू ये कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा माइनस का टू तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस का टू आ गया तो वाई जब ज़ीरो था तो एक्स हो गया माइनस का टू अब इसके साथ साथ वाई जब हमारे पास हम वन लेंगे नहीं मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जो हो उतना ही आप गैप लेते जाइए ताकि आपके पास इंटीजर वैल्यूज आती चली जाएं। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो जैसे हम 2 लेंगे तो x कितना आ जाएगा 3 इंटू टू माइनस फोर बाई टू ये कितना हो गया तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस फोर बाय टू दैट इज़ टू बाय टू तो यहाँ पर ये कितना आ गया वन आ गया तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू वन आ गई तो एक्स वन आ गया जब वाई टू आया इसके साथ साथ जब हम वाई की वैल्यू फोर लेते हैं जब वाई फोर होता है तो एक्स कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा थ्री इन तो यहाँ पर थ्री वाई था ना तो थ्री इंटू फोर माइनस फोर बाय टू विच इज़ यहाँ पर यह हो गया थ्री फोर ट्वेल्व माइनस फोर बाय टू तो ये कितना आ गया एट बाय टू दैट इज फोर ठीक है तो यहां पर हम x की वैल्यू बोल सकते हैं फोर अगर y फोर था तो x भी फोर आ गया इतना क्लियर हो गया अब हम यहां पर y की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं सपोज हमने क्या करा y की वैल्यू जीरो ले ली तो x कितना आ जाएगा x आप देखेंगे फाइव माइनस टू इंटू जीरो फाइव तो y जीरो x फाइव अगर हमने y की वैल्यू यहाँ पर तो आप y की वैल्यू वन टू थ्री इस तरीके से लेते चले जाइए x अपने आप इंटीजर आता जाएगा अगर आप y की वैल्यू यहाँ पर वन लेंगे तो x कितना आ जाएगा x आ जाएगा फाइव माइनस टू इंटू वन दैट इज़ फाइव माइनस टू विच इज़ थ्री तो जब आपने y की वैल्यू वन ली तो x कितना आ गया थ्री इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू टू लेते हैं तो x कितना आ जाएगा फाइव माइनस टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री नहीं टू इंटू टू तो ये कितना हो गया फाइव माइनस फोर दैट इज़ वन तो इसका मतलब ये है कि वाई की वैल्यू टू पे एक्स हमारे पास आ गया वन इतना क्लियर हो गया ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं अब हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं जैसे हम इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा अच्छा प्लॉट करने से पहले ये देखते हैं एक्स पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम जा रहा है फाइव और नेगेटिव साइड में मैक्सिमम जा रहा है माइनस टू तो एक्स के लिए इतना ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है वाई के लिए भी क्या है कि पॉजिटिव साइड में ही है नेगेटिव साइड में कुछ है ही नहीं और पॉजिटिव में ही प्लस फोर तक जा रहा है तो मतलब ये कि इतना ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं आ रही है हमारे लिए तो इतना इशू नहीं होगा हमारे ग्राफ को ड्रा करने में तो आप ग्राफ को बिल्कुल सेंटर में ड्रा कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हो गया लेकिन हम एक काम करेंगे कि इसको थोड़ा नीचे ड्रा करेंगे क्योंकि हमारे पास पूरा वाई पॉजिटिव में नेगेटिव की ज़रूरत ही नहीं हमारे हमारे लिए तो हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं ठीक है ताकि प्रॉपर ग्राफ बन कर आए ये इतना हो गया और ये यहाँ पर ये ज़ीरो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये एक्सेस था तो ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है यहाँ पर वन फिर ये टू फिर ये थ्री फिर ये फोर फिर ये फाइव फिर ये सिक्स फिर ये सेवन फिर ये एट ये वाई एक्सेस है इसके साथ साथ ये हो गया माइनस का वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन और ये हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस का थ्री अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं एक्स माइनस टू है वाई है जीरो अगर x माइनस टू है और y कितना था ज़ीरो तो y जीरो है तो इसका मतलब एक्सेस पे ही आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया माइनस टू कॉमा ज़ीरो इसके साथ साथ x अगर वन है तो y है टू अगर x वन है x की वैल्यू वन y है टू तो ये हो गया वन कॉमा टू इतना क्लियर हो गया इसके साथ साथ x अगर फोर है तो y है फोर x अगर फोर है तो y भी फोर है तो फोर कॉमा फोर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं फिर देखते हैं आंसर कितना आएगा ये पॉइंट और ये मतलब ये कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आ रहा है ठीक है जो ग्राफ है हमारा प्रॉपर बना है अगर कहीं से भी इसमें एरर आता तो हमारे ये तीनों एक लाइन में नहीं आते पॉइंट्स ठीक है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो अब इस पॉइंट्स को इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं तो ये फाइव कॉम जीरो जब एक्स फाइव है तो वाई है जीरो तो फाइव कॉमा तो ये हो गया 5.0 कॉमा जीरो और y 0 मतलब x एक्सिस पाएगा x है थ्री और y है वन x है थ्री और y है वन ये हो गया थ्री कॉमा वन और x है वन y है टू x है वन और y है टू तो ये वाला पॉइंट है ये ऑलरेडी हमने पहले से ही प्लॉट कर रखा है पिछले लाइन में तो अब इन तीनों को ज्वाइन करके देखिए तो ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं क्या नहीं बिल्कुल आ रहे हैं तो ये तीनों ड्रॉ कर दिए और यहाँ पर हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या थी ये लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इजिक्वल टू जीरो अब कोई पूछे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो था एक्स इजिक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा एक्स इजल टू यह हो जाएगा वन और वाई इजल टू टू क्योंकि यही तो कॉर्डिनेट है जहाँ पर ये कट कर रहे हैं जिसके एक्स कॉर्डिनेट है वन और वाई कॉर्डिनेट है टू इतना क्लियर हो गया अब हमें क्या करना है एरिया निकालना है एरिया निकालने के लिए क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट ठीक है अब आप देखिए बेस कितना है बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस हमें निकालना है ठीक है अब आप देखिए पॉजिटिव साइड में प्लस फाइव तक है और नेगेटिव साइड में टू यूनिट्स हैं फाइव यूनिट्स टू यूनिट्स दोनों के मिलाकर कितना हो जाएगा सेवन यूनिट इतना क्लियर हो गया मतलब आपके पास जो बेस की वैल्यू है वो सेवन यूनिट्स है ठीक है अब इसके साथ साथ आप देखिए आपके पास हाइट कितनी है हाइट कितने यूनिट्स है हाइट मतलब ये वाला डिस, डिस्टेंस यही तो हाइट होगी अब आप देखिए ये कितने यूनिट्स है ये टू यूनिट्स है तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइट हमारे यहाँ टू यूनिट्स हो गई तो हाफ बेस हो गया सेवन और हाइट हो गई टू टू से टू कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा सेवन स्क्वायर यूनिट ये आंसर है तो इसका मतलब ये है कि एरिया हमारा सेवन स्क्वायर यूनिट आ गया सोल्यूशन हमारे पास एक्सेस जीवल टू वन और वाई जीवल टू टू आ गया ये पार्ट क्लियर हो गया और इसको अगर आप शेड करना चाहें तो इस तरीके से शेड भी कर सकते हैं पेंसिल से आप शेड करिएगा और प्रॉपर शेड कर देना आप इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से इसको निकालना है हमें अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जब आप इसको शेड करने वाले होंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये पार्ट इसके अंदर आ रहा है तो एक काम करिएगा इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा वन कामर टू को ताकि ये शेड करने से गायब ना हो जाए पता चला उसी के अंदर ये गायब हो गया पता ही नहीं चल रहा ये ठीक है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन में क्या दिया गया है फोर एक्स माइनस थ्री वाई ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन में कहा गया है फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड देन दूसरी इक्वेशन है फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू ज़ीरो और ये भी सी बी एस ई टू थाउजेंड एट में आया था तो इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं देखिए इसके अंदर आप क्या करेंगे कि एक काम करिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं फोर एक्स बाकी सारे पार्ट को राइट साइड पर ले जाइए तो ये हो जाएगा थ्री वाई माइनस फोर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स इजवल टू थ्री वाई माइनस फोर बाई फोर ठीक है यहाँ पर एक्स और वाई का हमारे पास टेबल हमें बनानी है जिसमें तीन कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा फोर वाई फोर वाई नहीं सॉरी फोर एक्स इज इक्वल टू इसको राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ट्वेंटी और ये माइनस का थ्री वाई और यहाँ से ये हो गया एक्स इजल टू ट्वेंटी माइनस थ्री वाई बाई फोर ठीक है इसके लिए भी हमारे पास टेबल है ये एक्स और y की यहाँ पर भी हमें तीन कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं ठीक है अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू y की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं सपोज़ आपने y की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो रखी तो x कितना आता है x आ जाएगा थ्री इंटू जीरो माइनस फोर बाई फोर विच इज़ माइनस फोर बाय फोर तो ये हो गया माइनस का वन तो मतलब x आपके पास कितना हो गया माइनस वन तो y आपने ज़ीरो लिया तो x आ गया आप, आपके पास माइनस वन इसके साथ साथ अगर आप y की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि आप इसके बाद जब भी आप y की वैल्यू लेने वाले होंगे तो आपको सोचना है कि कौन सी y की वैल्यू लेने से फ़ायदा होगा डिनोमिनेटर में फ़ोर है तो y का गैप भी आप फोर का लेके कर चलिए ताकि आपके पास इंटीजर आता जाए तो यहाँ पर आप सीधा फ़ोर लेके देखिए जैसे आप वाई फोर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्सजल टू थ्री इंटू फोर माइनस फोर बाई कितना हो गया फोर विच इज़ यहाँ पर ये हो जाएगा कितना थ्री इंटू फोर थ्री फोर ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस फोर कितना हो गया एट तो ट्वेल्व माइनस फोर बाय फोर विच इज़ एट बाई फोर दैट इज़ टू ठीक है ये कैंसिल आउट होकर टू आएगा तो आपने देखा कि वाई फोर पे एक्स कितना आ गया आ गया टू इसके साथ साथ अब आप देखिए वाई का हमें जंप लेना है फोर का तो ये हो जाएगा एट अब आप ध्यान रखिएगा आपकी वाई की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा जा रही है ठीक है अगर आप वाई की वैल्यू को ज़्यादा लेते हैं तो आप उस तरीके से ग्राफ भी बनाइएगा तो यहाँ पर y आपने 8 ले लिया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x कितना जाएगा 3 इंटू एट माइनस फोर बाय फोर इतना क्लियर है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x इज वैल्यू कितना आ जाएगा 8 थ्री ट्वेंटी हो गया 24 फोर माइनस फोर बाय फोर हो गया ठीक है अब आप देखिए कि इसके अंदर आपके पास वैल्यू कितनी आई 20 बाय फोर ठीक है इसका मतलब ये हो जाएगा 5 तो x आपके पास 5 आ रहा है तो यहाँ पर 8 पे x आपके पास 5 आ गया अब इसमें देखते हैं इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम y की वैल्यू कितनी लेते हैं जीरो जब आप y की वैल्यू जीरो लेते हैं तो x कितना आता है x आ जाएगा ट्वेंटी माइनस थ्री इंटू ज़ीरो बाई फोर दैट इज़ ट्वेंटी बाई फोर विच इज़ फाइव क्योंकि कैंसिल आउट होकर फाइव देगा तो इसका मतलब ये है कि y ज़ीरो पे कितना हो गया x फाइव हो गया इसके साथ साथ अगर आप y की वैल्यू क्या लेना चाहिए आपको मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में फ़ोर हो तो आपको गैप भी फ़ोर का ही लेना चाहिए तो आप यहाँ पर वाई की वैल्यू फोर लेकर देखिए ठीक है तो जैसे आप वाई की वैल्यू फोर लेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा ट्वेंटी माइनस थ्री इंटू फोर बाय फोर तो ये कितना हो गया ट्वेंटी माइनस थ्री इंटू फोर मतलब ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व बाय फोर विच इज़ एट बाय फोर तो ये कितना हो गया टू तो इसका मतलब ये है कि वाई फोर पे एक्स कितना आ गया टू इसके साथ साथ अगर आप वाई की वैल्यू यहाँ पर एट लेंगे क्योंकि फोर का जम्प करना है आपको तो यहाँ पर देखिए जब आपने एट लिया तो एक्स कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा ट्वेंटी माइनस थ्री इंटू एट बाई फोर और ये हो गया ट्वेंटी माइनस थ्री एट ट्वेंटी फोर हो गया ट्वेंटी फ़ोर बाई फोर विच इज़ माइनस फोर बाई फोर तो ये हो गया माइनस का वन तो इसका मतलब जब आपने वाई की वैल्यू एट ली तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का वन इतना क्लियर हो गया तो अब आपके पास पूरी टेबल बनकर आ चुकी है अब आपको करना है क्या है इस पूरी टेबल को सॉल्व करके देखिए आपको यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली ध्यान रखिएगा एक्स एक्सेज में आपके पास पॉजिटिव फाइव तक जा रहा है लेकिन वाई एक्सेज में आप एट एट यूनिट तक जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि वाई एक्सेज आपका किस तरीके से होना चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड बना देते हैं क्योंकि पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा ग्राफ है तो ये हमने कर दिया ठीक है और हम क्या करते हैं लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं थोड़ा नीचे क्योंकि हमें एट यूनिट्स बनाना है पॉजिटिव में एट यूनिट्स बनाना है तो अगर आप यहां से रखेंगे तो भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हां हो जाएगा तो यहां पर आप एट यूनिट्स बनाने के लिए अब आप देखिए ये एक्स एक्सेस और ये हो गया वाई एक्सेस ये ओरिजिन वन फिर ये टू थ्री यूनिट्स फोर यूनिट्स फाइव यूनिट्स सिक्स यूनिट सेवन यूनिट एट यूनिट्स नाइन यूनिट्स ठीक है ये प्रॉपर ग्राफ बन कर आएगा हमारे पास और यहाँ पर देखिए आप ये माइनस का वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स यहाँ पर ये हो गया माइनस का वन माइनस का टू और ये कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है अब इसको प्लॉट कर लेते हैं जब x माइनस वन था तो y कितना था ज़ीरो x अगर माइनस वन है y जीरो का मतलब x एक्सेक्सेस पे ही तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास माइनस वन का हम ज़ीरो आ गया x अगर टू है तो y कितना था फोर x टू है तो y है हमारे पास फोर तो ये हो गया x टू पे y हमारे पास फोर हो गया ठीक है इसके साथ साथ 5.8 जब x 5 था तो y कितना था 8 तो 5.8 मतलब जब x 5 था तो y कितना था 8 ठीक है तो ये इन तीनों को ज्वाइन करके देखेंगे तो यहां पर ये कितना आएगा ये हो गया इसको हम क्या बोल सकते हैं फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इजिक्वल टू जीरो ये इस लाइन की इक्वेशन है ठीक है अब इसके अंदर हम इसमें देखते हैं x अगर फाइव था तो y कितना हो गया ज़ीरो जब x फाइव है तो y कितना हो गया जीरो तो मतलब ये इसी x एकस एक्सेस पे तो यहाँ पर ये हो गया फाइव कौन जीरो जब x अगर टू है तो y कितना है फोर तो x अगर टू है तो y कितना है फोर ये हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है ठीक है ये इसी लाइन में आ रहा था इसके साथ साथ x अगर माइनस वन है तो y कितना हो गया एट x अगर माइनस वन है तो y कितना है एट तो ये हो गया तो x अगर माइनस वन है तो y हो गया एट इतना पार्ट क्लियर हो गया अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं पहले ये देखते हैं कि तीनों एक लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये और ये हाँ ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक्यूरेट आंसर आया मतलब प्रॉपर आंसर आया है तो ये हो गया और ये लाइन की इक्वेशन क्या थी लाइन थी 4x एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्ल टू जीरो ठीक है यह वाल, वाली यह वाली लाइन थी अब आप देखिए कि इनका सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट है इसका सॉल्यूशन तो यहां पर ये आ जाएगा सॉल्यूशन इज हैंज सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू और वाई इजल टू फोर ये इसका सॉल्यूशन है अब हमें क्या करना है इसके साथ साथ हमें एरिया बताना है कि एरिया कितना होगा एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे ये हमें इस पूरे रीजन का एरिया बताना है ठीक है इस पूरे रीजन का एरिया बताने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बेस कितना है बेस अगर आप देखेंगे वैसे होता है हाफ बेस इन टू हाइट तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बेस की वैल्यू कितनी है ये लेंथ कितनी है देखिए पॉजिटिव साइड में फाइव यूनिट नेगेटिव साइड में माइनस वन था तो मतलब ये कि वन यूनिट ये हो गया और ये फाइव यूनिट हो गया तो टोटल ये सिक्स यूनिट हो गया तो बेस हो गया हमारा सिक्स यूनिट और ये हाइट कितनी है हाइट देखेंगे तो यहां पर ये फोर कॉर्डिनेट था वाई एक्स का फोर था तो मतलब ये जो पूरी लेंथ है वो फोर यूनिट्स है तो इसका मतलब ये हो गया हाइट हमारे पास फोर यूनिट हो गई फोर यूनिट इतना क्लियर है तो इसका मतलब एरिया हो गया हाफ बेस हो गया सिक्स और हाइट हो गई फोर तो ये कितना हो गया हाफ बेस इंटू हाइट तो ये हो जाएगा फोर इंटू थ्री दैट इज ट्वेल्व ट्वेल्व स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट ये एरिया है इतना क्लियर हो गया तो हमें यह पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें एरिया निकालना है इसका और साथ में हमारे पास सोल्यूशन भी आ चुका है तो ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया ठीक है अब हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर पर आ जा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि x माइनस वाई प्लस थ्री इज इवल टू जीरो और साथ में थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इजल टू जीरो आया था किसमें सी बी एस सी टू थाउजेंड टू में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यहाँ पर कहा गया है x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और साथ में एक और इक्वेशन है जिसकी वैल्यू जो जो हमें दी गई है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है यहाँ पर अब हमें क्या करना है सबसे पहले तो इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन को इस तरीके से लिख देते हैं ये पूरा पार्ट को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स इजिक्वल टू प्लस का वाई ये माइनस था तो यहाँ पर ये प्लस का वाई हो जाएगा ये प्लस का वन था ये माइनस वन हो गया अब आप इसमें देखिए यहां पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि थ्री एक्स को इधर रखें और बाकी के पार्ट को ले जाएं राइट राइट साइड पे लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर टू वाई को रख देता हूँ बाकी पूरे पोर्शन को राइट साइड पर ले जाते हैं विच इज ट्वेल्व माइनस और ये हो जाएगा वाई इज वो ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स बाई टू परपज़ ये है कि डिनोमिनेटर में जितनी कम से कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा बेटर है ठीक है यहाँ पर तो डिनोमीटर में कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर इसके एक्स के साथ कोई कोफिशेंट था ही नहीं तो ये हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई अब हम करना क्या वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास टेबल बना के देखते हैं देखिए इस केस में तो टेबल बनाना बहुत ईजी है क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो कॉर्डिनेट्स हैं वो आप इजीली यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा वाई की वैल्यू यहाँ पर ले ली जीरो जैसे आप वाई की वैल्यू जीरो लेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा ज़ीरो माइनस वन दैट इज़ माइनस वन ये हो गया माइनस वन जैसे ही आप वाई की वैल्यू यहाँ पर लेंगे वन तो एक्स कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा वन माइनस वन दैट इज़ जीरो तो ये हो गया वाई की वैल्यू वन पे एक्स कितना हो गया जीरो अब उसके बाद अगर वाई हम लेते हैं टू तो एक्स कितना हो जाएगा टू माइनस वन दैट इज़ टू माइनस वन कितना हो गया वन तो ये हो गया हमारे पास वाई टू पे एक्स हो गया हमारे पास वन इतना क्लियर है ठीक है अब यहाँ से अगर हमारे पास अब हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर भी निकाल लेते हैं कॉर्डिनेट निकाल लेते हैं तो तीन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू जीरो लेकर देखते हैं जब हम एक्स की वैल्यू इधर जीरो लेते हैं तो वाई कितना आएगा वाई आ जाएगा ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू जीरो बाई टू दैट इज ट्वेल्व बाई टू विच इज सिक्स तो ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर ये बचा सिक्स तो ये सिक्स आ गया जब हम वाई की एक्स की वैल्यू जीरो लेते हैं तो वाई आया सिक्स अब इसके साथ साथ अगर हम एक्स की वैल्यू वन लें और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में टू है तो आपको जो वैल्यूज़ का जंप करना है वो टू का करना है टू का गैप लेना है आपको तो एक्स अगर आपने ज़ीरो लिया था अब आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू टू लेके देखिए क्योंकि वन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा एक इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी ठीक है अब देखिए एक्स इज वेल टू टू हो गया अब यहाँ पर वाई कितना आ जाएगा वाई आ जाएगा ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू टू बाई टू दैट इज़ ट्वेल्व माइनस सिक्स बाय टू तो यहाँ पर ये यह कितना आ गया सिक्स बाई टू तो ये हो जाएगा थ्री ठीक है तो इसका मतलब यह कि x की वैल्यू जब आप टू लेते हैं तो y कितना आ जाता है थ्री आ जाता है सॉरी x की वैल्यू टू है और y यहां पर थ्री है इसके साथ साथ मैं यहां पर लिख देता हूं ठीक है अब आप देखिएगा कि अगर आप x की वैल्यू आपने टू ली जीरो ली अब आप क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू यहां पर ले लेंगे फोर क्योंकि टू का गैप लेना है आपको जैसी आप एक्स की वैल्यू फोर लेंगे तो यहां पर वाई कितना आ जाएगा ट्वेल्व माइनस थ्री इंटू फोर बाई टू विच इज ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व बाई टू विच इज By तो यहां यहां जीरो. तो तो पर आ आ गया गया आपने जब लिया तो वाई कितना गया? इतना क्लियर है अब आप देखिए ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं अब आपको इसका ग्राफ बना के देखना है कि क्या आएगा आंसर तो यहां पर हम पहले ये देखते हैं कि x और y की मैक्सिमम वैल्यूज कहां पर जा रही हैं तो x की वैल्यू जो है वो माइनस वन से लेकर फोर के बीच में ही लाई कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा मतलब रेंज नहीं है एक्स में लेकिन वाई में देखिए सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं लेकिन सिक्स तक जा रहा है तो हमें कुछ ऐसा करना है कि वाई थोड़ा सा सिक्स तक मतलब वैल्यू ज़्यादा हो सकें इस तरीके से ग्राफ बनाना है तो ये हम ले लेते हैं वाई लेकिन एक्स हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि वाई का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो ज़्यादा हो तो एक्स हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे ये हो गया एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस ये ओरिजिन ये वन ये टू ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट यहाँ पर ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फिर यहाँ पर ही हो गया हमारे पास माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स और ये हो गया हमारे पास माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ठीक है अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपकी पास वैल्यू क्या थी एक्स माइनस वन था और वाई ज़ीरो था तो इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस वन और वाई जीरो का मतलब ये है कि एक्स एक्सेस पे ही है तो इसका मतलब ये तो हो गया एक्स माइनस वन और वाई ज़ीरो पहला कॉर्डिनेट हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था एक्स जीरो वाई वन तो एक्स जीरो और वाई वन ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट दैट इज जीरो वन ठीक है इसके साथ साथ वन टू तो एक्स हमारे पास वन वाई हमारे पास कितना हो गया टू तो ये वन टू ठीक है अब इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? इस लाइन की क्वेश्चन तो आपने ड्रॉ कर ली है तो यहां पर आप इसको थोड़ा सा यह हो गया यह हमारे पास इक्वेशन है इतना क्लियर हो गया तो यह हो जाएगा x- माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है अब इसके साथ साथ आप इन पॉइंट्स को देखिए जीरो कॉमस सिक्स एक्स अगर ज़ीरो है तो y है हमारे पास सिक्स x अगर जीरो है ठीक है y है सिक्स तो यहाँ पर यह हो जाएगा ज़ीरो कॉमस सिक्स ठीक है अगर x हमारे पास टू है तो y कितना है थ्री अगर x हमारे पास टू है तो y कितना है थ्री तो ये कॉर्डिनेट हो गया एक्स अगर टू है तो वाई है थ्री अगर एक्स हमारे पास फोर है तो वाई है जीरो एक्स अगर हमारे पास फोर है तो वाई है जीरो एक्स फोर पे वाई हमारे पास कितना है जीरो ठीक है तो एक्स फोर वाई जीरो ये हो गया अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके देखते हैं ये फोर कॉमन जीरो लिख देते हैं पहले तीनों को ज्वाइन करके देखिए क्या तीनों एक लाइन में आ रहे हैं तो हाँ बिल्कुल तीनों एक लाइन में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स सही हमने ड्रॉ किए ठीक है और ये कितना हो गया थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो वाली इक्वेशन थी ठीक अब आप देखिए कि ये दोनों कहाँ पर कट कर रही हैं ये दोनों इक्वेशन कट करती हैं टू कॉम थ्री पे ठीक है तो मतलब ये हमारा सोल्यूशन होगा इस तरीके से सर्कल मत करना बस मैं आपको बस पॉइंट आउट करके दिखा रहा हूँ एक्चुअली मैं आप बस इतना छोड़ देना आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है सॉल्यूशन जो है इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकली जो हमने देखा ऑब्जर्व किया वो आ गया एक्स जू टू टू और वाई जू टू थ्री बिकॉज जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो टू कॉमर थ्री है ठीक है अब इसके साथ साथ आपको एरिया भी निकालना है एरिया हमें किससे निकालना है ये दोनों लाइन्स उसके साथ साथ एक्सेक्सेस इन तीनों के बीच में कौन सा रीजन है वो ये वाला रीजन है ठीक है इसका आपको एरिया निकालना है अब आप देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इन टू हाइट यहां पर बेस कितना है बेस ये है अब आप देखिए कि ये कितनी लेंथ है पॉजिटिव साइड में फोर यूनिट है नेगेटिव साइड में वन यूनिट है तो मतलब टोटल कितना हो गया फाइव यूनिट तो बेस हो गया फाइव यूनिट हाइट कितना है अब आप हाइट देखिए यहां पर कितना है ये हाइट होनी चाहिए ये हाइट कितनी है ये लेंथ अगर आप देखेंगे तो ये थ्री यूनिट की लेंथ है ठीक है टोटल लेंथ यह थ्री यूनिट है ना यहां से आप लेंथ मेजर uh, कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हाइट हो गई थ्री यूनिट तो ये हो गया हाफ बेस हो गया फाइव और ये हो गया थ्री ठीक है तो यहाँ पर आपके पास एरिया कितना आएगा हाफ़ फाइव इंटू थ्री कितना हो गया फिफ्टीन फिफ्टीन बाई टू यूनिट्स फिफ्टीन बाई टू स्क्वायर यूनिट तो ये कितना हो गया फिफ्टीन बाई टू मतलब सेवन पॉइंट फाइव स्क्वायर यूनिट इतना क्लियर हो गया अगर आप फिफ्टीन बाई टू स्क्वायर यूनिट लिख के भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपका आंसर सही है आइधर आप इस तरीके से लिखिए इधर आप इस तरीके से लिखिए दोनों ही केसेज में आपका आंसर सही आएगा इतना क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में कहा गया है कि हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई प्लस टू तो यहां पर पहले क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सो ये हमारे पास इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यहाँ पर इक्वेशन है x माइनस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और साथ में दूसरी इक्वेशन है 2x एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इसको हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा x इज वल टू ये पूरा पार्ट राइट साइड पर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का टू वाई माइनस का टू यहाँ से x और y इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमें ड्रॉ करना है ठीक है अब आप देखिए जब y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी होगी जीरो जब हम y की वैल्यू जीरो लेते हैं तो x कितना आएगा y अगर आपने जीरो लिया तो x आ जाएगा टू इंटू ज़ीरो माइनस टू दैट इज माइनस टू तो y ज़ीरो पे x आ जाएगा माइनस का टू अब यहाँ पर y इजिवल टू वन पे आप क्या लेंगे कि यहाँ पर x कितना आ जाएगा टू इंटू वन माइनस टू दैट इज टू माइनस टू इज टू ज़ीरो तो y वन पे x कितना आ गया ज़ीरो और वाई टू अगर आप टू लेंगे तो x कितना आ जाएगा x आ जाएगा आपके पास एक्स इजल टू टू इंटू टू माइनस टू दैट इज़ फोर माइनस टू विच इज़ टू तो यहाँ पर आपके पास टू आ गया तो y टू पे x हमारे पास टू आ गया ठीक है ये तो हो गया अब हम आ जाते हैं इस पार्ट पे अब देखिए इस पार्ट में आप करना चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं टू एक्स इजल टू वाई माइनस थ्री मतलब सिक्स माइनस वाई ठीक है लेकिन फिर उसमें वही है कि फ्रैक्शन आ जाएगा देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं टू एक्स इजल टू सिक्स माइनस वाई फिर यहाँ पर एक्स इजल टू सिक्स माइनस वाई बाई टू आ जाएगा लेकिन इसकी जगह अगर आप इस तरीके से लिखते वाई इजल टू बाकी के पार्ट को आप राइट राइट साइड पर ले जाते तो ये हो जाता है सिक्स माइनस टू एक्स ये कितना प्रॉपर है क्योंकि इसके अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली अब आप इसको सॉल्व करके देखिए कितना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा वाई इजल टू सिक्स माइनस टू एक्स तो यहाँ पर अगर आप इसकी टेबल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा x और y और यहाँ पर टेबल कितनी आएगी ये हो गया सिक्स माइनस टू एक्स ना तो यहाँ पर y x की वैल्यू आपको यहाँ पर अगर आप ज़ीरो लेंगे तो y कितना आ जाएगा एक काम करिए x की वैल्यू ठीक है कोई नहीं जीरो ले लीजिए तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस टू इंटू ज़ीरो तो ये हो गया सिक्स सिक्स भी खैर इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है ठीक है तो एक्स इजल टू अगर हम वन लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अच्छा पहले यहाँ पर x ज़ीरो पे y आपने सिक्स निकाल लिया x अगर आपके पास वन है तो y कितना आ जाएगा y आ गया सिक्स माइनस टू इंटू वन दैट इज़ सिक्स माइनस टू दैट इज़ फोर तो x वन पे y कितना हो गया फोर इसके साथ साथ x इजिकल टू अगर आप यहाँ पर टू लेंगे तो y कितना हो गया ये हो गया सिक्स माइनस टू इंटू टू दैट इज़ सिक्स माइनस फोर विच इज़ टू तो यहाँ पर x की वैल्यू टू लेने पर y कितना हो गया टू इतना क्लियर हो गया अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास तीनों प्रॉपर वैल्यूज़ आ चुकी हैं अब आपको करना क्या है इनको सॉल्व करके देखना है अब इनको सॉल्व नहीं इनका ग्राफ बना के देखना है लेकिन ग्राफ में देखिए सबसे पहले x की रेंज कहाँ तक है माइनस टू से लेकर प्लस टू तक तो x की रेंज तो ज़्यादा है ही नहीं y की रेंज कहाँ तक है ज़ीरो से लेकर सिक्स तक मतलब y की पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं नेगेटिव वैल्यूज़ तो कोई है ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि हमें ग्राफ कुछ ऐसा बनाना है जिसमें y अपर साइड पे ज़्यादा रहे इसको हम यहां पर भी लिख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा ये हो गया x एक्स एक्सेस और ये हो गया y एक्सेस अब आप देखिए यहां पर x में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये ज़ीरो यहाँ पर ये माइनस वन नहीं माइनस वन नहीं प्लस वन मैं माइनस वन क्यों लिख रहा हूँ थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और यहाँ पर ये माइनस वन है माइनस टू ये हो गया और ये कितना हो गया माइनस का वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स सबसे पहला पॉइंट क्या था माइनस टू जीरो मतलब एक्स एक्सेस पे माइनस टू और वाई कितना है जीरो वाई जीरो का मतलब ये है कि इसी एक्सेस पे लाई करेगा तो माइनस टू जीरो ये वाला पॉइंट हो गया ठीक है इसके साथ साथ जीरो वन मतलब एक्स है जीरो मतलब वाई एक्सेस पे लाई करेगा और वो कितना है वन तो ये हो गया जीरो वन तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं जीरो वन ठीक है जीरो वन फिर उसके बाद टू कामा टू 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 हो गया टू कामा टू ठीक है इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें देखिए तीनों पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन करके देखेंगे तो ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं इसका मतलब ये हमारा प्रॉपर तरीके से कॉर्डिनेट बना भी है और साथ में वैल्यूज भी सही आई हैं अदरवाइज ये एक लाइन पे लाई नहीं करते इतना क्लियर हो गया अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या प्लॉट करना है जीरो कामा सिक्स एक्स अगर आपके पास जीरो है और वाई सिक्स है तो एक्स जीरो वाई सिक्स ये हो गया तो x ज़ीरो कामा सिक्स फिर उसके बाद वन कामा फोर एक्स अगर वन है y कितना है फोर तो ये हो गया वन कामा फोर और उसके बाद टू कामा टू टू कामा टू तो पहले सही है ठीक है अब इसको हमें क्या करना क्या है तीनों को ज्वाइन करके देखिए तीनों को अगर आप ज्वाइन करके देखेंगे तो ये तीनों एक लाइन पेलाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेट भी सही आ रहे हैं और हमने जो लाइन की इक्वेशन बनाई है वो भी सही है प्रॉपर है ये हो गया ये हो गया x माइनस टू वाई प्लस टू यहां पर ये वाली इक्वेशन क्या है 2x एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इज टू जीरो अब यहां पर हमें करना क्या है कि ये हमारा शेडेड रीजन है ठीक है इसी का हमें एरिया निकालना है इसमें देखिए बेस कितना है बेस अगर आप देखेंगे तो ये टू यूनिट्स है और ये कितना है थ्री यूनिट्स तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो बेस है फो एक्चुअली में फाइव यूनिट्स है और हाइट कितनी है हाइट अगर आप देखेंगे तो ये लेंथ कितनी है ये टू यूनिट्स है तो इसका मतलब हाइट हमारे पास हो गई टू यूनिट्स ठीक है अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये हमारा सॉल्यूशन है मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा सॉल्यूशन होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज तो मैं डायरेक्टली बस यहाँ पर ये लिख रहा हूँ सॉल्यूशन फिर उसके बाद एक्स इजल टू टू एंड वाई इजल टू टू ठीक है आप प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिएगा द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज टू एंड टू ठीक है एक्स जीअल टू टू एंड वाई जीअल टू टू उसके बाद बेस आपके पास ये हो गया हाइट ये होगी अब आपको एरिया निकालना है तो एरिया कितना हो जाएगा एरिया इज जीएल टू हाफ बेस एंड हाइट तो यहाँ पर ही हो गया हाफ बेस कितना था फाइव हाइट कितनी थी टू ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा कितना फाइव स्क्वायर यूनिट ठीक है ये एरिया है इतना क्लियर हो गया तो इसका मतलब देखिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर इलेवन से लेकर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये पूरे क्लियर हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन से लेकर क्वेश्चन नंबर फ़िफ्टीन पूरा क्लियर हो चुका है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से लेकर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन तक ठीक है तो ये लेक्चर यहीं तक था अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो